नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। खबर जनपद चंदौली से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता का कार्यभार संभालते ही अपराधियों के हौसले पस्त नजर आ रही हैं। बता दें कि सीएम योगी की हनक के आगे अपराधियों में एनकाउंटर का डर छा गया है। एनकाउंटर से बचने के लिए अपराधी थाने पहुंचकर अपने आपराधिक कृत्यों के लिए माफी मांगते हुए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जनपद चंदौली के अलीनगर थाना में शातिर अपराधी एवं लुटेरा आशीष विश्वकर्मा, जो 25,000 इनामिया बदमाश है, उसने आपराधिक कृत्यों का कबूलनामा करते हुए इन कृत्यों की माफी मांगते हुए आत्मसमर्पण किया। आशीष ने अपने कबूलनामा में मुगलसराय थाना क्षेत्र के कैलाशपुरे शिव मंदिर के समीप महिला के गले से सोने की चैन छीनने और 31 मार्च की रात्रि वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप से कैश लूट में अपनी संलिप्तता को बताते हुए माफी मांगी और आत्मसमर्पण किया। इस बाबत थाना प्रभारी अलीनगर ने बताया कि 25,000 इनामिया शातिर बदमाश आशीष विश्वकर्मा निवासी परसिया थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर द्वारा थाना पहुंचकर अपने कृत्यों के प्रति माफी मांगते हुए आत्मसमर्पण किया। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है। आज दिनांक 5/4/2022 को एक सातर इनामिया 25,000 का अपराधी आशीष विश्वकर्मा निवासी परसिया थाना अदलहाट मिर्जापुर आत्मसमर्पण कर दिया। थाना अलीनगर में आत्मसमर्पण के पश्चात इससे गहराई से पूछताछ की गई, जिसमें इन्होंने दो घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें एक घटना मार्च महीने में वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप में लगभग 65,000 की लूट, और मार्च महीने में ही इसी वर्ष मुगलसराय में कैलाशपुरी शिव मंदिर पर चेन छिनैती किया जाना स्वीकार किया है। इससे और गहराई से पूछताछ की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।